स्टेशन साइड लगाए थे। धन्यवाद। अभी मैं जहाँ पे जा रहा हूँ इट इज कॉल्ड एज इंडियाज ओनली डायमंड क्रॉसिंग। ये नागपुर का एक स्पेशल डायमंड है, ये क्या तरफ जाता है इसके से गाड़ी? हाँ, तो कहाँ पे वो? कहाँ पे? नागपुर यार्ड है, यहाँ से गाड़ी जाएगा आपका हावड़ा के लिए। हाँ। जो मेल एक्सप्रेस जाता है इसके, और ये जो कहलाता है कॉर्ड लाइन है हमारा जिसमें गुड्स ट्रेन चलता है। अच्छा। ये दिल्ली के लिए जाता है, वैसे आने वाला ट्रेन जो गुड्स ट्रेन आता है वो सीधा हम नागपुर यार्ड में देते। तो अभी हम लोग वापस नागपुर स्टेशन पे आ गए हैं। जो भाई साहब थे जो हमें सब बता रहे थे, डिटेल्स दे रहे थे डायमंड क्रॉसिंग के बारे में, उन्होंने हमें यहाँ से निकाला, नहीं तो मुझे वापस घूम के मुझे यहाँ पे आना पड़ता। मुझे प्लेटफॉर्म टिकट बिना प्लेटफॉर्म टिकट खरीदे मुझे उन्होंने यहाँ से बाहर निकाला। अभी करीब 1:45 बज चुके, मुझे मेरे होस्ट ने 0 माइलस्टोन पे बुलाया है। 0 माइलस्टोन तो मैंने आपको कल बता ही चुका हूँ क्या है, तो वो भी एक्सप्लोर करते हैं, उसके बाद उनसे भी मिलते हैं। और ये रहा अपने सामने संविधान चौक। तो मैं अभी तो आपको थोड़ा टाइम पहले बता चुका हूँ कि जो 0 किलोमीटर रहता है वो पोस्ट ऑफिस के यहाँ से होता है। तो ये रहा नागपुर 0 किलोमीटर, और ये रहा 0 का माइलस्टोन, वो सामने जो दिख रहा है ये वाला। सो इट इज़ द 0 माइलस्टोन जो कश्मीर टू कन्याकुमारी मुंबई या फिर गुजरात से टू द ईस्ट ऑफ महाराष्ट्र, इट इज़ द सेंटर पॉइंट जो तभी गिना था, अभी कुछ और है शायद से अकॉर्डिंग टू माय रिसर्च। बट चलिए मैं अभी आपको वो दिखाता हूँ 0 माइलस्टोन। माना जाता है कि ये इंडिया का सेंटर पॉइंट है। इसका रेडियस अराउंड 7.90 मीटर्स का है अभी मैंने पढ़ा। इसका जो एक साइड है, ये जो साइड है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, वो 1 मीटर का है, और जो हाइट है वो 6.5 मीटर्स का है। और यहाँ पे सबका डायरेक्शन लिखा हुआ है कि फॉर एग्जांपल फ्रॉम दिस स्टोन फॉर दिस डायरेक्शन, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे शायद वो एक लेटर मिट चुका है, टू रानपोर या ऐसे कुछ तो है, इट इज़ 174 माइल्स, टू भंडारा 38 माइल्स, इधर से आगे टू जबलपुर 170 माइल्स, टू सियोनी 79 माइल्स, इस डायरेक्शन से आगे टू चिंदवारा 83 माइल्स, यहाँ पे टू बैतूल 101 माइल, यहाँ पे टू कोटा 62 माइल्स, और यहाँ पे टू हैदराबाद 918 माइल्स, और टू चंदा 125 माइल्स। तो ऐसे ये जो सैंडस्टोन से बना हुआ जो स्ट्रक्चर है वो करीब करीब अभी मोर देन 100 ईयर्स, मतलब 100-110 साल के बीच में होगा अभी। तो यही पे मतलब दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन नागपुर, ये हमने जो देखा। और जो पीछे हमने जो डायमंड जंक्शन देखा, डायमंड इंटरसेक्शन, दीज टू आर द टूरिस्ट अट्रैक्शंस इन नागपुर। तो यहीं पे जो सैंडस्टोन है, जो 0 माइल का जो स्ट्रक्चर है, उसके पीछे ही नागपुर मेट्रो का एक एग्जांपल दिखा हुआ है कि नागपुर एग्जांपल क्या है, नागपुर की मेट्रो एग्जैक्टली क्या है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर है ये नागपुर मेट्रो का, यहीं पे ये सैंडस्टोन है उसके बगल में ही है। और मैंने परमिशन का पूछा, दे आरंट अलाउिंग, वो हमें गोप्रो लेके जाने की परमिशन नहीं दे रहे, लेकिन हम लोग ये बाहर से स्ट्रक्चर देख सकते हैं। तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है नागपुर की मेट्रो का। यहाँ पे अजीब अजीब रूल्स है, हम लोग जाके देख सकते हैं, मुझे परमिशन है अंदर जाके देखने की, एक्सप्लोर करने की, लेकिन मुझे कैमरा लेके परमिट नहीं कर रहे, क्या पता क्यों। नागपुर में दिस इज़ माय सेकंड एक्सपीरियंस वेर दे आरंट अलाउिंग मी टू टेक माय गोप्रो इनसाइड। सो कुछ ऐसा दिखता है नागपुर का मेट्रो।
तो आज है नेक्स्ट डे, आज की तारीख है 24th और अभी बज चुके सवाई लाइक 1:15। तो कल मैं मेरा व्लॉग अधूरा छोड़ दिया था। कल 0 माइलस्टोन के बाद मैं घर गया मेरे होस्ट के घर पे और वी हैड चिकन इन द डिनर, हमने खुद घर पे बनाया एंड वी हैड सम मीट अप काइंड ऑफ थिंग। जो मेरा होस्ट है वो जिसके वजह से काउच सर्फिंग पे था वो आया था, सो वी हैड अ ट्रायंगल लाइक होस्ट सर्फर एंड सर्फर्स होस्ट लाइक वी मेड चिकन और हमने कुछ गॉसिप वगैरह वो सब चल रहा था। सो मैं अभी हूँ बर्डी में, नो नागपुर के सेंटर में है, इट्स अ स्टेट ट्रांसपोर्ट स्टेशन ओवर हियर और हम लोग अभी मैं अभी जा रहा हूँ रामटेक में। रामटेक के बारे में आपको जल्दी बताऊँगा, मैं भी थोड़ा रिसर्च वगैरह कर लूँगा क्या है रामटेक एग्जैक्टली। लोकेशन मुझे इन्होंने बताया कि बहुत अच्छा है, यू शुड विजिट वंस व्हेन यू आर इन नागपुर। सो अभी मैं आपको बताता हूँ कि रामटेक की इतना स्पेशल क्यों है। तो अभी मैंने कुछ रिसर्च किया कि रामटेक क्या है एग्जैक्टली। तो राम, भगवान राम जब वो वनवास जा रहे थे तो उनको न्यूज़ मिली कि यहाँ पे जो डेमन्स है वो साधु वगैरह उनको बहुत लाइक डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो उन्होंने थोड़ा रेस्ट किया वहाँ पे इन रामटेक और दिस इज़ आर्कियोलॉजिकली प्रूवन कि हाँ सच में यहाँ पे मतलब राम जी वनवास कर चुके हैं। सो भगवान राम बहुत डिस्ट्रेस हो गए थे कि हमें साधुओं के लिए करना चाहिए, जो डेमन्स है उन्हें यहाँ से भगाना चाहिए। सो इसलिए उन्होंने वहाँ पे थोड़ा रेस्ट किया, उन्होंने एक्शंस लिए और उसके बाद इन 18th century रघुजी भोसले जो मराठा रूलर थे यहाँ के, तो उन्होंने यहाँ पे एक मस्त मंदिर बनाया है, वही देखने जा रहा हूँ। और उसी के बाजू में एक लेक भी है जो खिंडसी लेक है, वो भी एक्सप्लोर करने जैसा है अकॉर्डिंग टू नागपुर पीपल। तो मैं आया था करीब बर्डी को करीब 1 बजे और ट्रेन सॉरी बस बोला गया था कि 1:30 बजे तक आ जाएगी, लेकिन बस आई 1:45 बजे, तो मेरा अराउंड 1 घंटा वेस्ट हो गया। और अभी जो मैं बस में बैठा हूँ वो करीब 1.5 घंटे का सफ़र है। बस का किराया अराउंड 60 रुपये है और अभी क्या पता अभी शायद 1 घंटा 1.5 घंटा लग सकता है। बस अपनी सादी लाल वाली जो रहती है स्टेट ट्रांसपोर्ट की महाराष्ट्र की, वही है जिसे हम शॉर्टली लाल डब्बा भी कहते हैं। तो अभी मैं नागपुर से मतलब बर्डी बस स्टेशन से रामटेक आ चुका हूँ। ये जो मेरे पीछे वाली जो बस है रेड कलर की उससे आया हूँ और मैंने इधर इंक्वायरी की, लास्ट बस है 8:30 की बैक टू बर्डी, तो मुझे उस हिसाब से वापस बर्डी जाने के लिए थोड़ा जल्दी एक्सप्लोर करना पड़ेगा। और ये बोलते हैं कि 4 किलोमीटर दूर है, यहाँ के रिक्शा ऑटो वाले बोल रहे हैं कि 4 किलोमीटर है, मैप में मुझे 800 मीटर दूर दिखा यहाँ से, लेकिन क्या पता वो शायद एक टूरिस्ट कैम्प होगा मे बी शायद से। तो वही एक ख़तरा रहता है यहाँ पे टूरिस्ट को कि टूरिस्ट कैम्प बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उस हिसाब से अभी मुझे चलते ही जाना पड़ेगा क्योंकि वो 880 रुपये बोल रहे हैं कि मतलब मुझे वो मंदिर तक छोड़ेंगे उसके। तो मैं हिच हाइकिंग करके यहाँ तक आया। एक्चुअली वो रिक्शा वाले जो बोल रहे थे, ऑटो वाले जो बोल रहे थे, वो एकदम ऊपर तक छोड़ने वाले थे, यहाँ से मुझे एक वॉकवे मिला है कि मैं सीधा शॉर्टकट से ऊपर जा सकता हूँ। तो आपको जो वहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे जो दिख रहा है आपको वो राम मंदिर है। और ये एरिया की कुछ अजब ही मतलब लोग बस्ती वगैरह कह सकते हैं वो सब है। यहाँ पे मुझे मुसलमान भी बहुत दिखे, जैन लोग भी बहुत दिखे, जैन लोगों को समझ सकता हूँ
कि क्योंकि यहाँ पे कुछ मंदिर है, जैन मंदिर ऐसा कुछ तो मैंने मैप में देखा था, लेकिन मुस्लिम्स भी यहाँ पे उतने ही है, हिंदूज भी यहाँ पे उतने ही है। यही पावर है हमारी डाइवर्सिटी, अपने जो इंडिया की जो डाइवर्सिटी है यहाँ की, यही खासियत है। क्योंकि रामटेक में हमें ऐसी स्थिति दिख रही है, तो मतलब जो हमारे पॉलिटिशियंस कर रहे हैं वो एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं फिर, जिन्होंने मुझे हिचहाइकिंग करके यहाँ पे छोड़ा उन्होंने सही बोला था, यहाँ पे लहानगढ़ पायरी ऐसा लिखा हुआ है, मतलब यहाँ से चलते जा सकते हैं जो सीधा हमें उस टेकड़ी या फिर टेक तक पहुँचा सकता है। तो गाइज इस वीडियो में मैंने मेरी पूरी जान लगा दी है, मतलब ये सिर्फ मेरे बेसिक वीडियोस चल रहे हैं कि अभी मैं सीख रहा हूँ व्लॉगिंग करना, शायद इसमें भी कुछ गलतियाँ हो वो मुझे पता नहीं है। तो अगर आपको लगता है कहाँ पे किसी चीज़ में मुझे इम्प्रूव करना चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। तो मैं आया वो सही किया, मतलब चलते आया और यहाँ से सीधा गाड़ी से रास्ता है, मैं करीब यहाँ से आया और यहाँ से यहाँ तक गाड़ी सीधा ऊपर आती है। और राम भगवान का भी सही है, मतलब यहाँ पे बंदर बहुत दिख रहे हैं, वानर सेना दिख रही है यहाँ पे, आप अगर जूम करके देख सको, पॉज करके देख सको तो आपको यहाँ पे पूरी वानर सेना दिख जाएगी। आ गए हैं राम मंदिर के एंट्रेंस पर, ये कुछ ऐसा दिखता है। चप्पल बाहर निकालना क्या आपको? अभी हम लोगों ने राम मंदिर देखा, अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे भी परमिशन नहीं मिला। जनरली परमिशन नहीं मिलता है उसका मेन रीज़न है कि लोग टिकटॉक वीडियोस वगैरह बनाते हैं। तो अभी हम लोग खिंडसी लेक जाने वाले, और आपको मैं दिखाता हूँ मैंने अभी चढ़ान कितनी हुई। वो जो दिख रहा है वो है खिंडसी लेक। ऐसा लगता है कि यहाँ पे यही एक हिल है और आजू बाजू कुछ नहीं है ऐसा लगता है, और शायद वो सही भी होगा क्योंकि पूरा दूर दूर तक कम से कम 20 किलोमीटर मुझे तो भी लगता है दूर का दिखता है यहाँ से। और ये रहा हमारा राम मंदिर। अभी हम लोग थोड़ा प्रॉब्लम में आ गए क्योंकि अभी करीब 5:30 बज चुके हैं और यहाँ से खिंडसी लेक जो है करीब 5-6 किलोमीटर है, मतलब आगे 5-6 किलोमीटर जाना है, वापस पीछे 5-6 किलोमीटर आके फिर बस पकड़ने, बस का लास्ट बस टाइमिंग है 8:30 बजे, तो हमें उसके घर पे जाने के लिए 8:30 बजे निकलेंगे स्टेशन से, बस स्टेशन से, तो करीब 10 बज जाएंगे। उनको भी पूछना पड़ेगा क्या इतना लेट आया तो चलेगा क्या वगैरह वगैरह, और खाने का भी देखना पड़ेगा फिर, तो देखते हैं अभी क्या कर सकता हूँ मैं आगे। अभी मैं वहाँ से आ गया, 2 किलोमीटर चलते हुए आया, और ये चौक है, इस चौक से आगे हमें खिंडसी लेक लगेगा, और यहाँ से खिंडसी लेक करीब 4 किलोमीटर है। तो अभी देखना यहाँ से किसी से लिफ्ट मिलती है या कुछ अलग करना पड़ेगा, वापस जाना पड़ेगा। अभी मैं करीब वो जो चौक था वहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर आगे आ चुका हूँ चलते चलते, और 1.5 किलोमीटर रहेगा वो खिंडसी लेक। अभी बज चुके हैं 6:15, मेरी लास्ट बस है 8:15 बजे की, तो शायद मुझे ये प्लान ड्रॉप करना पड़ेगा, यही कह सकता हूँ कि ग्रेप्स खट्टे हैं।
तो अभी मुझे नागेश वानखेड़े जी मिले, वो मुझे जहाँ पे मैं लास्ट लोकेशन थी जहाँ से मैं रिवर्स बैक जा रहा था, तो वहाँ तक मुझे छोड़ रहे भाई साहब, मुझे नागपुर तक छोड़ रहे। दिस वुड बी माई बिगेस्ट हिच हाइकिंग अंटिल नाउ। 60 किलोमीटर है। ये है नागेश जी। तो करीब 1.5 घंटा लग सकता है नागपुर पहुंचने में। तो हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। 80 किलोमीटर्स में से अराउंड 60-65 किलोमीटर्स हो गए और एज यूजुअल गाड़ी तुम्हारा भाई चला रहा है। हम लोग बीच में चाय पीने के लिए रुके थे और बस एक यही एक चाय के पीने के लिए एक ब्रेक लिया था। एंड प्रोबेबली दिस इज माई बिगेस्ट हिच हाइक अंटिल नाउ, 80 किलोमीटर्स। और ये सीधा जाता है नागपुर की तरफ। तो वो जो नागेश जी थे उन्होंने मुझे इंदौरा चौक में छोड़ा। यहाँ से मैं जिनके यहाँ पे रह रहा हूँ, मेरे होस्ट हर्षिल, उनका घर करीब करीब 13 किलोमीटर है। तो मुझे यहाँ से ही ये जो बस स्टैंड है वहाँ से बस पकड़ना पड़ेगा टूवर्ड्स बर्डी, और बर्डी से मुझे कुछ रिक्शा टैक्सी कुछ तो करके जाना पड़ेगा। तो अभी आपने देखा दिस वॉज माई बिगेस्ट हिच हाइकिंग अनटिल डेट। थोड़ा टाइम उन्होंने गाड़ी चलाई, थोड़ा टाइम मैंने गाड़ी चलाई। तो मैं करीब 3 दिन इनके यहाँ पे रहा। सो आई विल इंट्रोड्यूस देम टू यू, हिज हर्षल एंड शी इज रेणुका। सो वी हैड अ ट्रायंगल राइट, लाइक होस्ट एंड इज सर्फर, और जो सर्फर का, सो वी हैड अ ट्रायंगल राइट नाउ लाइक सो दैट So we had a triangle yesterday, like host, uska surfer, like the one who was a host for me, I am a surfer over there. So aisa triangle ho gaya tha.